कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी किसानों को समर्थन देने के लिए दो दिवसीय राजस्थान दौरे पर रहे। शुक्रवार को गंगानगर और हनुमानगढ़ में किसान महापंचायत करने के बाद शनिवार को राहुल गांधी अजमेर और नागौर पहुंचे। सबसे पहले किशनगढ़ एयरपोर्ट पर उतरकर राहुल गांधी लोक देवता तेजाजी के दर्शन करने सुरसुरा पहुंचे, जहां उन्होंने लोक देवता तेजाजी की पूजा की। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को राजस्थान दौरे के दूसरे दिन किशनगढ़ सुरसुरा होते हुए रूपनगढ़ पहुंचे। रूपनगढ़ पहुंचने से पहले राहुल गांधी एक ट्रैक्टर पर सवार हुए और ट्रैक्टर चलाते हुए सभा स्थल तक पहुंचे। सभा स्थल में आकर राहुल गांधी ने हजारों की तादाद में ट्रैक्टर से किसान रैली पहुंचे किसानों को संबोधित किया। राहुल गांधी जब ट्रैक्टर रैली में ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे तो मौजूद किसानों ने राहुल गांधी का स्वागत किया। राहुल गांधी के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ट्रैक्टर पर राहुल गांधी के साथ रहे। इसके बाद हुई सभा में उन्होंने ट्रैक्टर नुमा मंच पर खड़े होकर अपना संबोधन दिया। इस सभा में भी ट्रैक्टर नुमा मंच के ऊपर केवल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को ही रखा गया। वहीं मंच पर सचिन पायलट को जगह नहीं मिली। रूपनगढ़ से निकलकर राहुल गांधी पर्वत सर पहुंचे, जहां कांग्रेस विधायक रामनिवास गावड़िया के साथ ऊंट गाड़ी में सवार हुए। इसके बाद मकराना में राहुल गांधी ने किसान महापंचायत को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार को ये तीनों कृषि कानून वापस लेने होंगे। उन्होंने कहा, जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में खेती प्रमुख व्यवसाय है, इसमें करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने तीन कानून लागू किए और इन तीनों कानूनों से भारत के किसानों को जबरदस्त फायदा है, लेकिन अजीब बात है कि किसान ही इस कानून का विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, ये कानून में है कि उद्योगपति कितना भी अनाज खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा, यदि ऐसा है तो मंडी कौन जाएगा। उन्होंने कहा, इनसे किसानों को नुकसान है। भारत देश कृषि प्रधान देश है, यहाँ मोबाइल, वाहन और हवाई जहाज का व्यापार कृषि से बड़ा नहीं है।